हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योगी ऑटोमोबाइल्स। और दोस्तों, आज हमारे सामने है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का सेकंड टॉप वेरिएंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस गाड़ी के फुल वॉकआउट रिव्यू, क्या कुछ आपको इस गाड़ी में फीचर्स मिलने वाले 2024 पे, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज। बात करो इस गाड़ी के एक शोरूम कॉस्ट की, तो 14 लाख एक शोरूम कॉस्ट हो रही है शेड्यूल लोकेशन पे। और अभी हमें स्टैंडर्ड मोटोकॉर्प शेड्यूल पे इस गाड़ी की रिगार्डिंग आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो डीलर नंबर डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है, फटाफट जाइए अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए फॉर फर्दर इंक्वायरीज। एंड इवन बात करो इस गाड़ी की माइलेज की, तो आपको यहाँ पे 21.11 की आपके MPL की आपके यहाँ पे माइलेज इस गाड़ी देने वाली है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे हाई माइलेज आपको यहाँ पे ग्रैंड विटारा प्रोवाइड करेगी। वहीं बात कर लें इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की, तो बहुत ही मस्कुलर आपको यहाँ पे इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल मिलने वाली है। सामने तो आपको यहाँ पे सराउंडेड जो है क्रोम इंसर्टेड ग्रिल मिल जाती है, जो कि देखने में काफी प्यारा लग रहा है। साथ में उसके जब आप अंदर ही देखेंगे तो आपको वहाँ पे पियानो ब्लैक एलिमेंट्स भी आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाली है, जो कि ये जो है ना क्रोम इंसर्टेड और ये मिड में जो आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक एलिमेंट मिलती है, काफी प्यारी लग रही है देखने पे। इवन बात करें इसके DRL की, तो आपको यहाँ पे DRL अवेलेबल है। और एक चीज और बता दूँ, साइड इंडिकेटर का भी वर्क करती है, मतलब इसकी बात करें तो ये डुअल फंक्शन DRL आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, LED हेडलैम्प प्रोवाइड करा गया क्योंकि सेकंड टॉप वेरिएंट। और सेकंड टॉप वेरिएंट में एक चीज़ बहुत खासियत है कि जरूरत की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। थोड़ी अगर डाउन पे आते हैं तो फ्रंट इसकी प्लेट अवेलेबल है, जो कि सिल्वर ग्रे कलर पर मिलने वाली है और व्हाइट कलर के साथ काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने पर। सो बात करें साथ में मतलब इस गाड़ी के जो रोड प्रेजेंस की, तो काफ़ी बढ़िया इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस आपको यहाँ पे मिल जाती है। इवन आपको यहाँ पे जो है ना इस गाड़ी के कंफर्टेबल की बात करें तो बहुत ही कंफर्टेबल आपको इंटीरियर से भी मिलने वाली है। अब देख लेते हैं साइड प्रोफाइल, और साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से मिलने वाली, काफ़ी कॉम्पैक्ट लगती है यार साइड से भी गाड़ी देखने पर। एंड वहीं मैं बात कर लूँ इस गाड़ी के टायर की, तो आपको यहाँ पे जो है ना 17 इंच के टायर्स अवेलेबल हो जाती हैं गाइज। और अलॉय व्हील भी आपको यहाँ पे काफ़ी प्यारा मिलने वाला है, डायमंड कट अलॉय व्हील है बेसिकली। एंड फोर व्हील यहाँ पे जो है ना डिस्क ब्रेक अवेलेबल हो जाती है, और ये देखिए व्हील आर्चेस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, और बॉडी साइड क्लैडिंग भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस अवेलेबल हो जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया मतलब ग्राउंड क्लियरेंस भी देखेंगे तो सेगमेंट में मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा है। एंड नहीं, ये मतलब आप देखेंगे तो होंडा एलिवेट के बाद सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको ग्रैंड विटारा में ही मिलने वाली है। और यहाँ पे आप देख लीजिए बॉडी कलर वार भी अवेलेबल है विद साइड इंडिकेटर के साथ, साइड इंडिकेटर आपको ऑन वार भी अवेलेबल हो, बॉडी कलर डोर हैंडल एंड इवन ड्राइवर साइड आप देखेंगे तो रिक्वेस्ट सेंसर के साथ दिया गया है। विंडो कुछ इस तरीके से मिलने वाली है और साइड से काफ़ी प्यारी लगा। इवन एक चीज़ और, विंडो फ्रेम किट आपको यहाँ पे जो है ना कंपनी फिटेड दिया गया है, जो कि सही है यार, मतलब एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे डीलर से एक्स्ट्रा इंस्टॉल नहीं करवानी पड़ेगी। एक चीज़ की कमी लग रही है यार, SUV थोड़ा सा लग नहीं रहा, मतलब SUV में हर SUV में एक चीज़ कॉमन होती है, एक रूफ रेल्स अवेलेबल होता है। ग्रैंड विटारा में आपको यहाँ पे जो है ना रूफ रेल्स नहीं मिल रहा है। तो अभी तक की बात करो तो चेंजेस कुछ नहीं करा गया है, यहाँ पे साफन टीनर दिया है और यहाँ पे आप देख लो सिल्वर कलर की थोड़ी सी आपको यहाँ पे एसेंस एंड फिनिशिंग मिल जाती है। और बात और अब चलते हैं पीछे रियर पे, वहाँ पे जाकर देखते हैं आपको क्या कुछ मिलने वाली है। तो गाइज रियर प्रोफाइल जो है ना ग्रैंड विटारा है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाती है। वहीं मैं बात करूँ विंडशील्ड की, तो आपको यहाँ पे वाइपर वॉशर डिफॉगर तीनों चीज़ अवेलेबल हो जाते हैं विंडशील्ड पे। इवन यहाँ पे देखेंगे तो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे प्लेस्ड मिलने वाली है, कनेक्टेड टेल लाइट है। और टेल लाइट की वहीं बात कर लूँ तो LED टेल लाइट्स आपको यहाँ पे प्रॉपर ऑफर करा गया है। इवन थोड़ी सी अगर डाउन पर आते हैं तो यहाँ पे जो है ना साइड इंडिकेटर आपको अवेलेबल हो जाती है, और रिफ्लेक्टर्स एंड बैकलाइट भी आपको यहाँ पे दिया गया है। और एक चीज़ देख लीजिए आप यहाँ पे जो है डाउन पे ना आपको पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल हैं, तो वो भी 4 आपको मिलने वाले हैं। रियर स्क्रिप्टेड सिल्वर कलर की फिनिशिंग भी मिल जाती है। और वहीं अगर मैं बात करूँ सेफ्टी की, तो आपको यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको अवेलेबल हो जाती है ग्रैंड विटारा के एनवेलप। और यहाँ पर देख लो आप स्मार्ट हाइब्रिड की आपको यहाँ पे बैचिंग दी गई है। तो अगर मैं बात करूँ बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे जो है ना स्पेस मिल जाती है। ओपन करने की जस्ट मैग्नेटिक दिया हुआ है यहाँ पे, पुश करते आपकी ये जो है ना बूट ओपन हो जाएगी। और एक चीज़ एक्साइटिंग है यहाँ पे देखेंगे तो आपको पार्सल ट्रे आपको अवेलेबल किया गया है। इवन बात करूँ अगर बूट स्पेस की, तो 373 लीटर का आपको यहाँ पे बूट स्पेस अवेलेबल हो जाती है। इवन आप रियर सीट देखेंगे तो 60-40 स्प्लिट में आपको यहाँ पे जो है ना सीट मिलने वाली है। एंड बूट लाइट की अगर हम बात करें तो बूट लाइट अवेलेबल है, जी हाँ आपको यहाँ पे जो है ना बूट लाइट मिलने वाली है। और इवन यहाँ पे जो है ना भाई चार्जिंग आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी अवेलेबल है, तो इवन आप यहाँ पे जो है ना
चार्जर लगा के आप बिजी फोन चार्ज कर सकते हैं। सो इसको बंद कर देते हैं। और एक चीज़ और एक्स्ट्रा मैं बता दूं आपको, जो है आपकी स्पेयर व्हील है नीचे प्लेस्ड है, और इसकी जो साइजिंग की बात करूं तो आपको सेम साइज की मिल रही है, बट अलॉय व्हील आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है इस स्पेयर व्हील के साथ, और आपको जो है रिम के साथ दिया गया है। तो चलो कर लेते हैं अपन इसको बूट को बंद। सो गाइस ये तो था एक्सटीरियर, अब चलते हैं इंटीरियर पे, वहाँ जाके बात करते हैं क्या कुछ आपको फीचर्स मिलती है। पर उससे पहले बात करें इस गाड़ी की तो आपको की जो है ना कुछ इस तरीके से मिलने वाली है, जिसमें लॉक अनलॉक आपको यहाँ पे जो है बटन मिलने वाला है, और पीछे देखेंगे सुजुकी ब्रांडिंग लोगो। वैसे गाड़ी हमारी ऑलरेडी अनलॉक है, चलो कर लेते हैं गाड़ी को ओपन। एंड ये मैंने कर लिया गाड़ी को ओपन, और ड्राइवर साइड की अगर डोर ट्रिम की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से मिलने वाली है, काफ़ी मतलब आप देखेंगे तो काफ़ी काफ़ी जो है ना आपको यहाँ पे अट्रैक्टिव डोर मिल जाती है। चेंजेस की बात करूँ तो यहाँ भी कुछ चेंजेस नहीं मिल रहे हैं, वही सेम आपको यहाँ पे जो है ना लेदर फिनिशिंग दी गई है गाइज, और काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब जो फिनिशिंग है, टच एंड फील है, बहुत प्यारा आपको टच एंड फील मिलने वाली है। इवन यहाँ पे आप देखेंगे तो सिल्वर एसेंस मिल रही है। इंटीरियर डोर हैंडल जो है आपको क्रोम इंसर्टेड दिया गया है। वाटर होल्डर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे दी गई है, और वो रहा अपना स्पीकर का प्लेसमेंट। सो गाइज एक चीज़ और आपको यहाँ पर बता दूँ, ऑन डोर यहाँ पे जो है ना ट्विटर प्लेस्ड हो जाती है, और स्पीकर की बात करूँ तो 4 स्पीकर 2 ट्विटर पर्टिकुलर गाड़ी में मिलने वाली है। इंटीरियर की बात करें, डैशबोर्ड की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखने वाली है, और काफ़ी प्यारी लग रही है यार, काफ़ी मतलब यहाँ पे जो है प्रीमियम दिख रही है गाड़ी। ऐसा नहीं है जिस सेगमेंट में गाड़ी है, डेफिनेटली ये गाड़ी कंप्लीट करती है क्रेटा से, इवन सेल्टॉस, और आप बात करें अगर होंडा एलिवेट से, तो सब गाड़ी से काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करती है। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर, वहाँ जाके बात करते हैं। पर उससे पहले आप ये देख लो, यहाँ पे ही आपको पुश बटन स्टार्ट स्टार्टिंग पे ही मिल जाती है, और क्रोम इंसर्टेड ये मिल रही है। लेदर फिनिशिंग, लेदर फील आपको यहाँ पे फिर से होने वाली है। हेडलैम्प लेवलर, एंड वहाँ पे देखेंगे तो एक डेड पैडल अवेलेबल है। एंड सीट की वहीं बात कर लूँ तो फुल्ली आपको यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है, लेदर अपहोल्स्ट्री नहीं दिया गया गाइज। हाइट एडजस्टेबल आपको यहाँ पे सीट मिलने वाली है। इवन यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्यूल लिड ओपन करने के लिए यहाँ से मिल जाती है, एंड बोनट भी आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। सो अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर, अंदर जाके बात करते हैं क्या कुछ आपको फीचर्स मिल जाते हैं। सो लेट्स गो गाइस, हम फाइनली आ चुके हैं ग्रैंड विटारा के अंदर। अंदर आते ही एक बार आप डैशबोर्ड देख लो, काफ़ी प्रीमियम आपको यहाँ पे डैशबोर्ड मिलने वाली है। इवन वहीं मैं बात करूँ स्टेयरिंग की, तो फुल्ली राउंड स्टेयरिंग आपको मिलती है। ऑन स्टेयरिंग आप सिल्वर एसेंट्स मिल जा रही है, जो देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। मिड में सुजुकी की लोगो आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑडियो कंट्रोल्स मिल जा रही है, बेसिकली म्यूट एंड मोड चेंज करने का, एंड आप यहाँ से वॉल्यूम आप ना डाउन कर सकते हैं। एंड ये थोड़ा सा देख लो आप, कॉलिंग कंट्रोल्स एंड वॉइस कमांड आपको यहाँ पे डाउन पे मिलने वाली है। राइट साइड आप देखेंगे तो क्रूज कंट्रोल की आपको यहाँ पे जो है कंट्रोलिंग्स मिल जाती है ऑन स्टेयरिंग, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। स्टेयरिंग के एडजस्टिंग सिस्टम की हम बात करें तो आपको यहाँ पे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों आपको एडजस्टिंग सिस्टम मिल जाती है। इवन वहीं लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे वाइपर एंड वॉशर के कंट्रोल्स हैं, और राइट साइड में आपको यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल दी गई है। एक चीज़ आप देखेंगे तो ऑटो हेडलैम्प्स अवेलेबल है, जी हाँ आपको यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प्स अवेलेबल मिलने वाली है। और ये रहा अपना कुछ भाई, देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है यार, मीटर देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है ना आरपीएम मीटर है, एंड यहाँ पे जो है सारे फंक्शन बेसिकली बताएंगे। जस्ट वेट अ मिनट, आप यहाँ से कुछ चेंज कर सकते हैं, फिलहाल तो चेंज नहीं हो रहा, आई थिंक यहाँ से होगा। तो ये आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड से होने वाले चेंजेस, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिड में जो है आईडी दिखने वाली है, जहाँ पे आपको फ्यूल इकोनॉमी एवरेज रेंज सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होगी। एंड यहाँ पे देख लो आपकी स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट तो नहीं है, राइट साइड पे आपको मिलने वाली है। और फ्यूल गेज आपको यहाँ पे ऑन स्पीडोमीटर ही दिया गया है गाइस। और एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे बैटरी लाइफ भी दिखने वाली है, तो ड्राइविंग टाइम, ड्राइविंग रेंज सारी चीज़ें आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं ईजी। एंड टाइमिंग यहाँ पे देख सकते हैं, आइडल स्टॉप टाइम, आइडल स्टॉप एंड स्टार्ट बटन इवन अवेलेबल है, तो आप अगर आइडल स्टॉप बटन ऑन कर रहे हैं उसकी टाइमिंग कितने समय तक चली है, टाइमिंग दिखेगा, टेम्परेचर दिखेगा ऊपर आप देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एमआईडी पे दिखने वाली है। और एक एक्साइटिंग चीज़ है, ये सारी चीज़ जो है ना आपकी यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम पे भी दिखेगी। सो बात करें अगर इसको इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो आपको काफ़ी ह्यूज, काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है, जिसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो बहुत ही स्मूथ है। इवन यहाँ पे एलेक्सा इन बिल्ड मिलती है, सुजुकी कनेक्ट के साथ ही आपको मिलने वाली है। सो बात कर लें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिल रही है, एफएम तो मिल ही रहा है, एंड एप्पल कारप्ले भी मिल रहा है, ऑटो एंड्रॉयड भी मिल रहा है, सारी चीज़ें कनेक्टिविटी मिल रही है। इवन यहाँ पे देखेंगे जैसे मैंने कहा था कि आपकी जो है ना कार का पूरा यहाँ पे टाइमिंग, टेम्परेचर, एवरेज सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑन स्क्रीन दिखने वाली है। इवन एज वेल एज आप यहाँ पे देखेंगे तो डिस्प्ले एंड टाइम सारी चीज़ें यहाँ पे है, म्यूज़िक एंड यहाँ पे
कनेक्टिविटी सेटिंग है, तो सेटिंग्स में आप जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे जो है ना कंट्रोलिंग मिल जाएगी, तो जो चीज़ आप चाहें वहाँ यहाँ ईजी कर सकते हैं। एसी की बात करें तो यहाँ पे खैर एसी की तो है यहाँ पे, पर यहाँ पे उससे पहले देख लो आप, ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग, हजर लाइट का बटन आपको कुछ इस तरीके से मिलते हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में। मतलब मैं पहली बार इस सेगमेंट में देख रहा हूँ कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है हजर लाइट के बटन को। एंड यहाँ पे देख लो एसी विंड्स अवेलेबल है और सिल्वर एसेंट ऑन एसी विंड भी मिल जाती है। और ये रहा एसी कंट्रोलिंग पैनल जो कि कुछ इस तरीके से मिल रही है और बढ़िया लिखा है यार, मतलब कुछ इस तरीके से है। एसी आपके यहाँ पे ऑटो एसी मिल जा रही है, तो इससे अच्छी बात क्या है कि ऑटो एसी अवेलेबल आपको यहाँ पे दी गई है। खैर सेकेंड टॉप वेरियंट, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ऑटो एसी मिलने वाली थी गई। और यहाँ पे थोड़ी डाउन पर अगर आते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टॉप एंड स्टार्ट बटन, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाली है, एंड यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी सिंगल दिया गया है। थोड़ी डाउन पर आप देखेंगे तो फोन रखने का आपको यहाँ पे स्टोरेज मिल जाती है, पर वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलती। खैर वायरलेस चार्जिंग थोड़ी सी कमी लग रही है। एंड वहीं मैं बात करूँ गियर बॉक्स को, तो आपको यहाँ पे 5 माइलो ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स अवेलेबल है, और गियर बॉक्स राउंडेड आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे सिल्वर एसेंट्स दिया गया गाइस, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। साथ में आपको यहाँ पे जो है ना पियानो ब्लैक एलिमेंट्स भी आपको यहाँ पे मिल रही है, जो कि देखने में काफ़ी मस्त लग रहा है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे ट्विन का फोल्डर्स अवेलेबल हैं, एंड आर्मरेस्ट भी आप देख लीजिए, आर्मरेस्ट अवेलेबल है और लेदर टच के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और एक चीज़ अच्छी है कि ये एडजस्टेबल आपको दिया गया है, एज यूजल आपको आर्मरेस्ट के नीचे यहाँ पे स्पेस भी मिलने वाली है, तो स्टोरेज दिया है और हर गाड़ी पे आपको यहाँ पे जो है ना स्टोरेज मिल जाती है आर्मरेस्ट के नीचे। अब एक चीज़ और एक्साइटिंग है, आप डैशबोर्ड में देखेंगे तो सिल्वर एसेंट्स अवेलेबल है, जो कि देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। इवन साथ साथ आप देखेंगे तो फिर से आपको यहाँ पे लेदर टच, लेदर फिनिशिंग दिया गया है। ग्लोव बॉक्स है यहाँ पे, और ग्लोव बॉक्स डिसेंट है, मतलब इतना कुछ जगह नहीं है, बस आपको यहाँ पे सर्विस बुक रखने का जगह मिल जाती है। और एक चीज़ वहीं बात कर ले हम सनवाइज़र की, ड्राइवर साइड की, तो सनवाइज़र जो है ना आपको वैनिटी मिरर के साथ मिलने वाली है, और साथ में आपको यहाँ पे इल्यूमिनेटेड लाइट भी दिया गया है। यहाँ पे देख लो तो सनग्लास होल्डर, रीडिंग लाइट्स, हैलोजन जो कि आपको यहाँ पे मिल रही है, ऑटो आईआर भी हम आपको यहाँ पे प्लेस्ड मिल जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप ध्यान रखा गया है। इवन बात करो इस गाड़ी की सेफ्टी की, तो आपको यहाँ पे 6 एयरबैग पर्टिकुलर मॉडल में गाइज आपको मिलने वाली है, जो कि बहुत सही है। और सेकंड टॉप वेरियंट से आपको यहाँ पे 6 एयरबैग दिया जा रहा है, मतलब कर्टेन एयरबैग्स भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, सो बहुत अच्छी बात है। सो गाइज ये तो था फ्रंट कैबिन, अब चलते हैं रियर कैबिन पे, वहाँ पे जाके बात करते हैं क्या कुछ अपने को फीचर्स एंड स्पेस मिलने वाली। सो लेट्स गो गाइज। सो गाइज अगर मैं बात करूँ वहीं रियर सीट की स्पेस की, तो चलो कर लेते हैं पहले रियर डोर को ओपन। एंड वन मोर थिंग, आप डोर ट्रिम देखेंगे तो आपको जो डोर ट्रिम मिलने वाली है ना सेम मिलने वाले जैसे ड्राइवर साइड की थी। और चेंजेस की बात करूँ तो बिल्कुल भी चेंजेस आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है, वही आपकी ग्लॉसी फिनिशिंग मिल रही है, पावर विंडो कंट्रोल्स मिल रहा है, वही आपकी लेदर टच आपको यहाँ पे फिनिशिंग दी गई है। इंटरनल डोर हैंडल सिल्वर फिनिशिंग में, इवन यहाँ पे जो है सिल्वर एसेंट्स मिलने वाली है। ये देख लो यार, स्पेस काफ़ी मिल जाती है आपको रियर सीट में। चलते हैं रियर सीट में बैठ के अपन बात करते हैं। तो बात करें अगर मैं लेग रूम की, तो लेग रूम आपको बहुत परफेक्ट मिल रहा है। थाई सपोर्ट की बात करें, थाई सपोर्ट भी आपको फुल मिल रही है, मतलब थाई सपोर्ट में भी कमी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। पर मारुति की गाड़ी में थोड़ी सी एक चीज़ होती है ना कि मतलब इनकी जो सीट्स होती हैं कंफर्टेबल तो होती हैं, बट थोड़ी सी हार्डनेस होती है, मतलब थोड़ा सा इसको ना स्पंजी बनाया जा सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पे टाटा प्रोवाइड करती है। टाटा की आप सीट देखेंगे, टाटा की गाड़ियों की, तो बहुत ही आपको कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती हैं। एंड ड्राइवर साइड के जो आपकी सीट है ना ड्राइवर की, आपकी इसके रियर में देखें तो आपके यहाँ पे मैगजीन होल्डर अवेलेबल हो जाती है, रियर एसी वेंट्स अवेलेबल है जिसकी कंट्रोलिंग भी आपको यहाँ पे दिया गया है, और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं दोस्तों, और यहाँ पे फोन रखने का स्टोरेज दिया गया है। सो एडजस्टेबल हेडरेस्ट अवेलेबल है, वो तो खैर कॉमन है सारी चीज़। इतनी महंगी आप गाड़ी लेंगे 14 लाख के बजट में इस सेगमेंट में, डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो है ना एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलने ही वाली है। और रियर से आप देख लो डैशबोर्ड का लुक काफ़ी प्यारा लग रहा है। और एक चीज़ और रियर में भी देखेंगे तो आपको 3 पॉइंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट गाइज अवेलेबल हो जाती है। एंड मिड में आपको यहाँ पे जो है ना आर्मरेस्ट अवेलेबल है, जो कि ट्विन का फोल्डर के साथ आपको यहाँ पे दिया गया है। सो एक चीज़ और है कि आपको यहाँ पे जितने भी सीट है उतने आपको यहाँ पे जो है सीट बेल्ट भी प्रोवाइड करा जाता है, तो बहुत अच्छा फीचर है ये, मतलब सीट बेल्ट तो बहुत ही यहाँ पे ज़रूरी होता है, तो सीट बेल्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। सो गाइज ये तो था इंटीरियर एक्सटीरियर, अब चलते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन पे, वहाँ पे जाके बात करते हैं क्या कुछ पावर्स एंड टॉक्स गाड़ी जनरेट करती है। सो लेट्स गो। अगर बात करें इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो आपके यहाँ पे K15C 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड इंजन आपको यहाँ पे ऑफर करा गया है, जो कि 101 BHP का पावर जनरेट करती है एंड 136 Nm का आपको यहाँ पे टॉक जनरेट करके देती है। जेटो जो वेरियंट है ये आपको यहाँ पे माइल्ड हाइब्रिड एंड फुल्ली हाइब्रिड आपको दोनों अवेलेबल हो जाती है,
सो आपकी ये चॉइस है कि आप कौन सा परचेस कर रहे हैं। इवन बात करें अगर इसके इंजन की, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलती है, 4 सिलेंडर इंजन है। और स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है, बैटरी की आपको यहाँ पे प्लेसमेंट दिया गया और एक साइड की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। और एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे तो इंजन प्रोटेक्शन आपके यहाँ पे मड प्रोटेक्शन भी अवेलेबल हो जाती है। सो बहुत सारी गाड़ियाँ होती है ना, मड प्रोटेक्शन वहाँ पर नहीं दिया जाता, और साथ साथ देखेंगे तो बोनट भी आपको यहाँ पे कवर्ड मिलती है। तो दोस्तों ये तो था ग्रैंड विटारा के सेकेंड टॉप मॉडल का फुल वॉक अराउंड रिव्यू। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।